तो हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान। आप देख रहे हैं दाबरू पोल्ट्री। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30वें और 31वें दिन के बारे में। तो कल वीडियो नहीं आ पाई थी, कल थोड़ा सा काम था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज जो है 31वें दिन पे इनके 30वें और 31वें दोनों दिन के बारे में बात कर लूंगा। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना एक लाइक कर लो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखते रहो। तो सबसे पहले जो इन लोगों में प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि मैं इन लोग आप लोगों को बताया था कि इसमें थोड़ी बहुत छिक 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 की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो छिक 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 की प्रॉब्लम जो है, हम लोगों ने शुरू में इसको हम लोगों ने ये सोचा था कि इसमें एंटीबायोटिक नहीं चलाएंगे, कुछ भी हो जाएगा एंटीबायोटिक नहीं चलाएंगे, उससे वेट लॉस करता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने इनको हल्दी पानी दिया था, वो सब वीडियो आपने देखा ही है। तो हल्दी पानी देने से क्या हुआ, इनका जो वेट गेन हुआ वो तो ठीक हुआ, लेकिन इनकी जो छिक छिक थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इनकी छिक छिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कल तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग बीमार टाइप से दिख रहे थे छिक छिक की वजह से। तो आज क्या किया गया कि सबसे पहले आज, मतलब ये 30वें दिन की बात है, आज 31वें दिन पे हम लोगों ने क्या किया कि सुबह सुबह क्या किया हम लोगों ने, फ्लेम गन से पूरे फार्म की जो है बर्निंग कर दी। और वो वाला जो इधर वाला पर्दा था ना, वो एक पर्दा मतलब ऊपर की तरफ से लगा हुआ था, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए। और सुबह 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 आने के साथ पहला काम हम लोगों ने ये किया कि पूरे के पूरे फार्म की हम लोगों ने बर्निंग किया, जिसके बर्निंग करने से क्या हो सकता था कि सुबह सुबह हम लोग स्प्रे नहीं कर सकते थे, तो सुबह सुबह हम लोगों ने बर्निंग किया। बर्निंग करने के बाद इन लोगों को दाना पानी दे के जो है चले गए, दाना जो है अपना फिनिशर जो इनका चल रहा है, पानी में कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पानी जो था वो दिए और चले गए। उसके बाद दोपहर में यहाँ पे आए और हम लोग जो है सुबह में जब गए तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसइंफेक्टेंट बना के रख लिया। उसके बाद जब यहाँ पे दोपहर में आए हम लोग, तो दोपहर में जो है इन लोगों के ऊपर अच्छे से स्प्रे किए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली एक बार स्प्रे कर दिया, एक पूरा का पूरा जो भी क्या बल्टी होती है 15-20 लीटर जो भी उसमें पानी आता है, उतना उसके अंदर पानी लिया और अच्छे से स्प्रे किया। और इसमें एक कमाल की बात देखने को मिली, जब मैं अपने बर्ड्स का स्प्रे कर रहा था ना, ठीक है, जब मैं अपने बर्ड्स का स्प्रे कर रहा था तो कुछ बर्ड जो है मुझे ऐसे भी देखने को मिले जो मुझे ऐसा लग रहे थे कि वो 2 किलो या फिर 2 किलो के हो चुके हैं या फिर 2 किलो के होने वाले हैं, ऐसे काफ़ी बर्ड देखने को मिले। तो मुझे लगा कि भाई हो जाएगा, मतलब जो मैं ये बोला था ना 33 दिन में 2 किलो, तो मुझे लगता था कि मतलब आज 31वां दिन है तो मेरे हिसाब से वो 33 दिन में 2 किलो हो जाएंगे। ये नहीं कि पूरे का पूरा फार्म 33 दिन में 2 किलो हो जाएगा, कुछ बर्ड इसमें लंगड़े भी हुए हैं, तो 33 दिन में पूरा का पूरा फार्म 2 किलो का नहीं हो जाएगा, लेकिन 33 दिन में जो मैंने बोला था कि कुछ बर्ड जो है, मैं पहले तो हम लोग यही सोचा था कि 33 दिन में पूरा फार्म, लेकिन बीच में जो छिक छिक की प्रॉब्लम आई और इस समय तो काफ़ी ज़्यादा वो छिक छिक की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी इन लोगों का वेट लॉस उतना ज़्यादा उतना हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए छिक छिक में। तो ये अपने लिए एक एडवांटेज है। इसके साथ साथ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 33 दिन में हमारे कुछ बर्ड 2 किलो के हो जाएंगे और 36-37 दिन में हमारा पूरा का पूरा ये वाला जो फार्म है ये पूरा का पूरा फार्म 2 किलो का हो जाएगा। और ये जो मैंने बेचने की बात की थी, बेचेंगे हम लोग वही 10 तारीख या 11 तारीख की डेट में इन लोगों को बेचेंगे। ठीक है, तो ये किए और स्प्रे करने के बाद जो बर्ड इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्ड जो बीमार दिख रहे थे, ठीक है, स्प्रे करने के बाद काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप जब बर्ड बीमार होते हैं ना, आप कैसे पहचानोगे कि आपका बर्ड बीमार है, आप बर्ड की आँख देखो ना, अगर आप अपने बर्ड की आँख देखो, अगर आपकी आप बर्ड की आँख में चमक नहीं लग रहा है ना, उसकी आँख में वो चमक नहीं आ रही है, तो समझिए आपका बर्ड जो है बीमार है या बीमार होने वाला है। तो जब हम लोगों ने सुबह में फ्लेम गन से बर्निंग की और दोपहर में जब हम लोगों ने पूरा अच्छे से स्प्रे कर दिया, तो उसके बाद जब स्प्रे करने के बाद अभी शाम हो चुकी है, तो अभी जो है काफ़ी सारे बर्ड ऐसे हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि अभी वो बिल्कुल ही ठीक है, उनकी आँख में जो मतलब ये थोड़ा सा बीमारपन दिख रहा था वो एकदम आँख में पूरी अच्छी तरीके से चमक उमक आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ हम लोगों के साथ। इसके साथ साथ अभी हम लोग जो है इसमें कुछ और भी चेंजेस करेंगे, क्योंकि जो ये वाला कफ सिरप था हमारा, क्या कहते हैं, पुलमो बूस्ट, वो मुझे तो लगता है पता नहीं क्या पानी मिला के दे दिया उसके अंदर पुदीना उदीना, काम वाम तो कर नहीं रहा है वो, तो इसकी वजह से हम लोगों ने इसमें अब एक ह्यूमन कफ सिरप है वो लगाएंगे थोड़ी सी इनकी छिक छिक कम करने के लिए। ये देख लो, ये है और सस्ती भी काफ़ी है, 17-18 रुपए की है, 16-80 रुपए की है, 17 रुपए की मिली है मुझे 100 ml। तो एक टाइम 2 घंटे के पानी में इसे लगाएंगे, कभी भी जब ये कफ सिरप इस तरीके की जो ह्यूमन कफ सिरप आप कभी भी लगाओ तो उसको टंकी में मत लगाया करो, उसको जो है पानी में लगा दिया करो, 2 घंटे के पानी में लगा दिया करो और कोशिश किया करो कम से कम 1000 बर्ड है तो 100 ml तो लगाओ। तो ये 100 ml है, इसका ये कंटेंट देख लो, ये है, ठीक है। तो ये इन लोगों को जो है शाम उम के पानी में लगाएंगे ताकि जो कफ है ना, जो इनके गले में जो कफ बन रहा है, वो कफ अगर सिर्फ और सिर्फ छटता रहेगा ना, सब कफ खत्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए अगर उनका कफ ठीक हो जाएगा, मतलब पानी पिलाने के बाद 8-10 घंटे तक भी अगर बर्ड, या फिर 8 घंटे तक भी बर्ड अगर अच्छे से रहा
तो भी हम लोगों के ग्रोथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ग्रोथ बर्ड पीछे नहीं होगा। लेकिन और ये जो था एंटीबायोटिक नहीं चलाएंगे उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन अगर एंटीबायोटिक चला देते तो बॉडी वेट जो आया था वो सही से आता भी नहीं। तो ये रहा हम लोगों का टोटल 30वां और 31वां दिन। तो अभी जो है मैं बताता हूँ, अगर क्या कहते एक बार जो है 33वें दिन पर 2 किलो मतलब बॉडी वेट लूँगा और देखता हूँ, अगर 2 किलो आ जाता है तो बता दूंगा। वैसे नॉर्मली क्या कहते 35-36 दिन में तो अपना बर्ड जो है 2 किलो हो ही जाना चाहिए। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।